राइज रोर रिवॉल्ट, क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, तबाही मच रहा है। यस गाइस, यू गेस्ट इट राइट, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल डायरीज। टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू द बम्बास्टिक ट्रेलर ऑफ RRR। ऑब्वियसली कुछ दिन पहले उसका छोटा सा टीजर रिलीज हुआ था, बट फाइनली जो ऑफिशियल वर्जन आया ट्रेलर का, दैट इज 3 मिनट 16 सेकेंड्स का, 3 मिनट का ही हार्डली जो कहा जाता है, दैट इज अ विजुअल ट्रीट टू ईच एंड एवरी ऑडियंस। मतलब ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ दिस ट्रेलर क्रिएट्स एन हिस्ट्री, ईच एंड एवरी फ्रेम, अब कहीं पे भी देख लो, इट विल क्रिएट एन हिस्ट्री। What a magnum opus! I'm still having goosebumps. I have seen this trailer, you know, the umpteen number of times. पहले तेलुगु में देखा, फिर हिंदी में देखा, और देखते ही रह गई, देखते ही रह गई। जो goosebumps देगा ना आपको ये trailer देख के, trail shaking, you know, ऐसा feel हुआ। इतना बड़ा magnum opus शायद ही इंडिया में पहले कभी बना है, एंड द मैजिशियन ऑफ इंडियन सिनेमा SS राजमौली इज येट बैक अगेन विथ दिस सुपर डुपर मैग्नम ऑपस आफ्टर बाहुबली 2017, जो बाहुबली द कंक्लूशन था, उसके बाद बैक इन 2022 ही इज गोइंग टू डिलीवर दिस अनदर मैग्नम ऑपस। ऐसे लेवल का मूवी ये एक ही इंसान है या जो ये बना सकते हैं, दैट इज नन अदर देन SS राजमौली। क्या विजुअल सीन्स था, एक एक सीन, स्टार्ट जो होता है ना वो दिखाता है इंग्लैंड, ऑब्वियसली इट इज अ टाइम पीरियड फिल्म एंड इट इज शोइंग द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इंडिया। सो इट शोज द टू मिलिट्री ऑफिसर्स या वॉट एवर द पुलिस ऑफिसर्स आर डिस्कसिंग, एक लड़की के बारे में, एक छोटी सी लड़की के बारे में बात करते हैं जो गोंड ट्राइब की है, जो स्कॉट्स जो है वो लोग लेके आए हैं, उसका एक प्रोटेक्टर होता है। Brace yourself guys, yes, उसका प्रोटेक्टर इज नन अदर दैन द टाइगर, द जूनियर NTR। उसका जो इंट्रोडक्टरी सीन है, पहले ही हमने जो टीजर में देखा था, एकदम पहले, एक साल पहले जो उसका लुक रिवील हुआ था, तभी लगा था बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इट इज लाइक मोर देन जबरदस्त, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। जिस तरह से जूनियर NTR एकदम दौड़ के आते हैं एकदम घने जंगल के अंदर से, फिर एकदम हाँ करके चिल्लाते हैं, सामने जो शेर है यार, वो शेर जिस तरह से एकदम पंजा झपते हैं, एकदम वो शेर भी चिल्लाते हैं, और इधर का जो शेर है जूनियर NTR वो भी चिल्लाते हैं, और दोनों का एकदम फेस टू फेस जो सीन है, दैट विल गिव यू goosebumps, यू विल जस्ट फील every stream, every blood stream will boil seeing that scene, like what are you seeing? आपको कुछ मौका ही नहीं मिलेगा एक पल भी इधर से उधर देखने का, इतना बड़ा, एक एक फ्रेम, एक एक पल, एक एक माइक्रो सेकेंड इज अ विजुअल ट्रीट, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जूनियर NTR इज जस्ट अनदर हिस्ट्री। उसके बाद बोलते हैं क्या कि इस शेर को रोकने के लिए चाहिए एक शिकारी का, और वो शिकारी, माय गॉड, ब्रेस योरसेल्फ, एंट्री ऑफ रामचरण, दैट इज अल्लूरी सीतारामा रजू, द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग। सो अल्लूरी सीतारामा रजू इज इंट्रोड्यूस्ड एज द शिकारी, एज द पुलिस ऑफिसर, सुपर हैंडसम ही वाज लुकिंग। ये जो जनता थे, एक जनता एकदम पागल हो चुके हैं, लोग फाइट कर रहा है, वो पुतला जला रहा है, एकदम तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो जो उसको दिखाने के लिए, उसको रोकने के लिए जो एक शिकारी की ज़रूरत है, जिसको देख के पूरे जनता, जो आवाम है एकदम डर जाते हैं, दैट इज नन अदर देन माई फ्रेंड्स इज रामचरण। उसका एंट्री ऐसे ही दिया जाता है, लुकिंग सो हैंडसम, पीछे से आग झरस रहा है, उसकी आईज में जो नजर है, जो तेज नजर है, दैट इज नथिंग लेस देन स्मोक्स ऑफ फायर। सो ही स्टैंड आउट, वॉट अ सुपर्ब एंट्री। किसी का एंट्री किस लेवल पे कंपेयर करें, आई हैव नो वर्ड्स। उसके बाद हर किसी एक्ट्रेस का स्क्रीन टाइम दिया गया, आलिया भट्ट का भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाया गया है, ओलिविया मोरिस का भी, अजय देवगन का, इवन श्रिया शरण का भी प्रेजेंस दिखाया गया है।
सो बेसिकली उसके बाद जो आपके पास सीन देखने को मिलते हैं कि रामचरण इज द पुलिस ऑफिसर, उसके बाद उसका जो स्ट्रगल, जो इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस उसके अंदर होते हैं, वो सब जो दिखा जाता है, इट्स जस्ट व्हाट टू से, अनदर लेवल ऑफ हिस्ट्री. ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी इमोशन, और साथ में जो बीजीएम, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था एमएम किरवानी का, दैट इज ऑल्सो अनादर मैग्नम ओपस लेवल. मतलब हर एक चीज इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूजिक टू डायलॉग टू एक्शंस टू इमोशंस टू वीएफएक्स टू द मैग्निट्यूड, एवरीथिंग इज जस्ट अनबिलीवेबली हिस्ट्री मेकिंग थिंग. सो उसके बाद दिखाया जाता है जो गांव के लोग हैं उसके ऊपर ये ब्रिटिशर्स जो है अत्याचार कर रहा है लड़की की. वो जो एक लड़की औरत होती है उसके सर पे बाड़ी मारते हैं और वैसे गिर जाती है बहुत ही इनह्यूमन वे में, और उसके खिलाफ कैसे जो नियार एनटीआर और रामचरण दोनों मिल के लड़ने की जो वासना है, जो वासना है वो दिखाते हैं. वो दो एकदम फूट के आग की तरह बाहर आते हैं. साथ में दोनों की दोस्ती भी दिखाई जाती है बहुत ही एक प्यारा सा, जो जय और वीरू वाला जो बॉन्डिंग है वो भी दिखाया जाता है. दोनों एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं, शहरों में एक साथ घूम रहे, गांव में खेल रहे, रेलगाड़ी की साथ मतलब कंपटीशन लगा रहे कौन कितना जोर से दौड़ सकता है. औसम था. और एक जो सीन था जो आपके अंदर एकदम मतलब पैर के नेल्स से सर के हर हर एक बाल तक जो रोंगटे खड़े कर देगे वाला सीन था, दैट वाज द फ्लैग सीन, जो झंडे लहराने का सीन था. जूनियर एनटीआर एक फ्लैग लेके था और वो ब्रिज के नीचे से ऐसे कूद के आ रहा था, एंड दूसरे साइड से रामचरण उधर से एकदम फ्लो किधर आ रहा था, और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर खड़ा हुआ. उसके बाद दिखाया जो ब्लास्ट हुआ ब्रिज के ऊपर, जो ट्रेन का वो हो रहा था उधर ब्लास्ट हुआ, और ये दोनों उस झंडे को ले के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर जो शॉट था, क्या लेवल का शॉट था. एक एक फ्रेम में देख रही हूँ तो मैं हैरान हो जा रही हूँ, व्हाट आर दिस, किस लेवल पे मैं डिफाइन करूँ, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है. मतलब आई हैव सीन दिस ट्रेलर लाइक क्या बोलूँ मैं, अनटेन नंबर ऑफ टाइम्स. जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच, इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. ऐसे मूवीज ऐसे जनरली नहीं बनता है, एंड दिस एस एस राजमौली अलॉन्ग विथ रामचरण जूनियर एनटीआर एंड द एंटायर टीम ऑफ दिस ट्रिपल आर आर गोइंग टू क्रिएट अनदर हिस्ट्री, अनदर लैंडमार्क आफ्टर बाहुबली. ये सीन के बाद आलिया भट्ट की दिखाई देती है और बहुत ही सिग्निफिकेंट सीन है. आलिया भट्ट इज अपसेट सीइंग हर मंगलसूत्र, आई गेस मुझे लगा मंगलसूत्र था. और उसी दौरान हमको दिखाते हैं कि रामचरण इज वेविंग हिज हैंड्स एंड वो बोट में कहीं पे चले जाते हैं, और साथ में हमें सनसेट दिखाई देता है. सो दैट इज अ वेरी लैंडमार्क सीन, अभी मूवी में पता चलेगा. वो दिखाया इसलिए दिखाया, जनरली हम सनसेट का सीन एक इंसान के साथ तभी दिखाते हैं जब उसका अंत होने वाला है या फिर डेथ होने वाला है, तो ऐसा कुछ लगा. बिकॉज इट इज़ अ फाइटिंग मूवी तो कुछ भी हो सकते हैं, हमारे जो हीरोज के साथ कुछ भी हो सकते हैं. फिर उसके बाद दिखाते हैं अजय देवगन का एक एक झलक मिलता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी फियर्सफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. श्रिया शरण भी चिल्ला रही है, उसके ऊपर भी टॉर्चर हो रही है. फिर रामचरण और का एक जो डायलॉग आता है जो दैट इज ऑसम, मतलब जो है वो मतलब बेसिकली वो जो रन लेता है कि इसके लिए अगर जान भी देना पड़ेगा बेसिकली तो वो जान भी गवा देंगे. वो जिस जोश से वो डायलॉग, जो उसका डायलॉग पर्टिकुलर था, इट वॉज सो ऑसम. और जिस तरह से उसके बाद उसका एंट्री होता है, सारे जो ब्रिटिश पुलिसर्स है सबके ऊपर, सब लोग एकदम हैरान हो गए, डरे हैं कि ये कौन आ रहा है. फिर एकदम आग की लहरों से गाइस आता है रामचरण, एकदम टोटल राम अवतार वाला लुक लेके, और जिस तरह से बोज एंड एरोज लेके वो हवाओं में उड़ के उसको मार रहा था, पूरा आपको बाहुबली 2 का याद आ जाएगा. बाहुबली का जो प्रभास का वो तीर बो एंड एरो वाला सीन था, इट इज एग्जैक्टली ऐसा आपको लगेगा. और उसके अंदर जो जोश था, जो आईज में ग्लेयर था, दैट वॉज टोटली बर्निंग दैट सीन. अगर आप ये सीन देख के जल ही रहे थे तो आपको डबल जलाने के लिए उसके बाद जूनियर एनटीआर का सुपर एंट्री होता है. वो बाइक को घुमा घुमा के आते हैं और दोनों साथ मिलके जिस तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ देश को बचाने के लिए लड़ते हैं, दैट इज अनदर लेवल. नो वर्ड्स कि किस लेवल का वो था.
और बैकग्राउंड से वो आवाज़ आता है, ब्रेस योरसेल्फ फॉर राम, ब्रेस योरसेल्फ फॉर भीम. आई वॉज लाइक यस, ब्रेस योरसेल्फ फॉर द एंटायर फिल्म, द एंटायर थिंग, आर आर आर. लास्ट में भी आता है आर आर आर, राइज रोर रिवोल्ट, ब्रेस योरसेल्फ फॉर आर आर आर. इट्स लाइक 3 मिनट्स ऑफ वॉचिंग another history that is going to be made very soon on 7th January. So guys, I am just speechless. Or matlab 5 se agar 5 mein agar mujhe marks dena hai to I just can't mean 5 out of 5 is very less. Agar 100 bhi total marks hoga na, usse bhi upar kuch marks dene ka hoga to wo main uske liye dena chahungi. Matlab super se bhi upar wala full marks to this trailer. Agar ye 3 minute ka trailer इतना एक्सप्रेशन, इतना गूज बम्स दे सकता है, तो जो वो मूवी 2.5 घंटे का, जितना लंबा वो फिल्म जो 2.5-3 घंटे का आने वाला है, वो किस लेवल का मैमोथ वाला हिस्ट्री, मैमोथ वाला रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, यू कैन जस्ट इमेजिन इट. और जितना न्यूज़ आ रहा है सुनने में कि जो ट्रेलर थिएटर में राजमौली ने रिलीज़ किया, बेसिकली इन्होंने थिएटर पर ट्रेलर जो रिलीज़ किया है, उधर जो भीड़ जमा हुआ है, थिएटर्स आर डिमांडिंग कि पुलिस प्रोटेक्शन हमें चाहिए बाहर, वरना तोड़ फोड़ हो जाएगा. इतना क्रेज है उधर की जनता के अंदर, ऐसा लग रहा है कि कोई फेस्टिवल आ गया, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है. दैट इज़ द थिंग गाइज. सो अगर आपने ये ऐतिहासिक ट्रेलर नहीं देखा है, गो टू यूट्यूब एंड प्लीज़ वॉच इट एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा. कुछ ठीक ठाक अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइए, आपको कुछ और एक्स्ट्रा आपकी फीलिंग ऐड करना है तो वो भी कमेंट्स में बताइए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे चैनल को देखते रहिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, रिव्यूज़, बिग बॉस सेगमेंट सब कुछ आने वाले. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माई चैनल. Take care. Bye-bye.